जब से रूस यूक्रेन युद्ध ने तीसरे साल में प्रवेश किया है, तब से रूस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक एक कर यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा जमाने वाला रूस एक बार फिर यूक्रेन पर हावी हो चुका है। पश्चिमी देशों के हथियारों की सप्लाई की सुस्त रफ्तार का भी रूस ने फायदा उठाते हुए यूक्रेन पर हमलों की सीरीज को तेज और पैना कर ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी इलाके हड़प लिए हैं। इस बीच अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की माने तो रूस की सेनाएं यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट खार्किव इलाकों में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए हैं। रूस की ओर से हाल में एक और इलाके पर कब्जे के बाद यूक्रेन के पास सुरक्षा की अब बेहद ही कम संभावनाएं बची हैं। रूस की सेना उत्तरी खार्किव ओब्लास्ट में बॉर्डर पर आक्रामक अभियान चला रही है। बीते शनिवार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि रूस ने यूक्रेनी बलों के खिलाफ अपने खतरनाक अभियान को बढ़ाने की कोशिश की है। रूसी खतरों से निपटने के लिए कीव रूस की सीमा से लगे खार्किव इलाके में तेजी से अपनी सेना भेज रहा है ताकि मोर्चे पर डटकर मुकाबला हो सके, मगर लेटेस्ट हथियारों की कमी के चलते यूक्रेनी सेना रूस से काफी पिछड़ती जा रही है। बता दें कि साल 2022 में युद्ध की शुरुआत के दौरान रूस ने खार्किव इलाके समेत नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में कई इलाकों पर दावा किया था, जिस पर 2022 के आखिर में यूक्रेन ने अपने जवाबी हमले में रूस से कब्जाए हुए इलाकों को वापस ले लिया था, मगर एक बार फिर यूक्रेन इन इलाकों में पिछड़ता जा रहा है। बीते शनिवार को रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी बॉर्डर पर कई गांवों पर कब्जा करने का दावा किया था। इनमें बोरोसिवका, ओहिरत्सेव और पेलेटिनिवका की बस्तियां शामिल हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने भी कहा कि रूस हमारे इलाके में आगे बढ़ने के मकसद से अलग अलग दिशाओं में हमारी सेनाओं पर हमला कर रहा है। यूक्रेनी सेनाएं डिफेंसिव जंग लड़ रही हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ISW ने कहा कि बॉर्डर से खार्किव शहर की नजदीकी रूस को बेहद उग्र बना रही है। यही वजह है कि रूसी सेनाओं ने अपना अभियान इस ओर बढ़ाया है। रूसी सेना को खार्किव शहर को लगातार गोलीबारी से धमकाने के लिए ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और हाल के दिनों में रूसी हमलों का खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ा है। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने वोवचांस की ओर गाइडेड हवाई बम लॉन्च किए हैं। बख्तरबंद वाहनों के साथ यूक्रेन की डिफेंसिव लाइन को भी भेदने की कोशिश की गई। इसके चलते रिजर्व बलों को खार्किव इलाके की ओर भेजा गया है। हाल के महीनों में रूस ने अपने हमलों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के पूर्वी डोनेस्क इलाके पर फोकस किया है, जो यूक्रेन की मुख्य जमीन के चार इलाकों में से एक है, जिस पर रूस ने कब्जा किया है। हालांकि दावा किया जाता है कि रूस इस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रख पाया है।